हाथरस हादसे में मौत का आंकड़ा अब 121 तक पहुंच गया। पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी हुई। अभी तक की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक भोले बाबा यानी नारायण सरकार का चरण व्रज लेने के लिए ही भक्त उनकी तरफ भागे थे और इसी दौरान सत्संग स्थल पर भगदड़ी मची जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर ये चरण व्रज होता क्या है जिसके लिए बाबा के भक्तों में ऐसी मारामारी मच गई। दरअसल हाथरस में मची भगदड़ की सबसे अहम वजहों में से एक जो सामने निकल कर आ रही है वो है चरण व्रज। कहा जा रहा है कि भोले बाबा के भक्त उनके चरण व्रज लेना चाह रहे थे, इसी दौरान भक्तों के बीच में भगदड़ी मची और 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बताते हैं कि आखिर चरण व्रज का मतलब क्या होता है। सरल शब्दों में अगर समझे तो चरण व्रज का मतलब होता है किसी पूज्य व्यक्ति के चरणों की धूल। बाबा की मीठी मीठी बातों से उनके भक्त कुछ इस कदर प्रभावित थे कि एक झलक के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। चरणों की धूल को प्रसाद के तौर पर लेने के लिए हाथरस में सत्संग खत्म होने के बाद मारा मारी मच गई। जिनको चरणों की धूल नहीं मिली वो गाड़ी के टायरों के धूल के लिए लपक पड़े। दरअसल बाबा का असर भक्तों पर इस कदर था कि वो धूल को प्रसाद के तौर पर घर ले जाना चाहते थे। ये बात हैरान करने वाली है लेकिन हाथरस में यही हुआ और इसने चंद मिनटों में सत्संग को शमशान में बदल दिया। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए। राज्य सरकार में इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए जबकि लोग जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इतनी ही राशि केंद्र सरकार की ओर से भी दी जाएगी। वहीं बता दें कि इस हादसे की अभी तक की जांच में पता चला है कि आयोजकों ने प्रशासन को बताया था कि सत्संग में 80,000 के करीब भीड़ जुट सकती है। वहीं प्रशासन ने इतने लोगों के हिसाब से आयोजन करने की अनुमति भी दी थी लेकिन जांच में अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सत्संग के दौरान 80,000 से कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे। सत्संग के आयोजन के दौरान किसी तरह की अफरा तफरी ना मचे इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। जांच में पता चला है कि प्रशासन ने अनुमति देते समय कुछ शर्तें रखी जिसे बाद में नहीं माना गया और आयोजकों ने उसका उल्लंघन किया जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। ये फलरी से सिकंदराव पे हो रहा था मुगलगढ़ के पास कार्यक्रम हाथरस जिले में। किसकी सवारी क्या था? ये विश्व सागर अजी महाराज है उनकी सवारी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए। अच्छा। वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा। हाँ क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे कम से कम। यहाँ भोले बाबा सागर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये? फुलरी मंगलगढ़ी सिकंदराव हाथरस। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ जी, सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दबने दब गए, एक ऊपर में चढ़ गए वो।